now at Anagali Station. Please get ready. We are now at Alita Station. Assalamualaikum, welcome back another vlog. आज का हमारा vlog है और इन ट्रेन का भी मेरे प्यारे प्यारे दो कजन्स भी हैं, तो hi करें सब। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो में आपने हमारे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। गाइस वो जा रही है और इन ट्रेन, अभी हम आ गए हैं और इन ट्रेन के स्टेशन के पास। ये हिंजरवाल स्टेशन है। जोहेब इधर से जाएंगे और हम इधर से जाएंगे, फिर आप इधर से जाएं प्लीज। तू मेरा पुत्र मसी का रहे हैं, मैं तेरे पियूष कैद लाना। यहाँ से हमने टिकट लेंगे, अभी 40 रुपए का टिकट है। तो जी ये हमने 4 टिकट ले लिए यहाँ से शाही किला के। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। प्रैंक हो गया हमारे साथ, हमने जाना था यादगार की तरफ, हमें जो गाइड करने वाला था वो है अब्दुल्ला खान हमें लेके जा रहा था ठोकर न्याज उल्टी साइड पे। तो अभी हम दोबारा वहाँ से ट्रेन से उतरे हैं और हम दूसरी साइड से भी इंटर होंगे और जो वापसी की ट्रेन जाएगी किला की तरफ हम उसमें बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। सफर कर रहे होंगे दुबई का तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर आएंगे, लेकिन अगर आप लाहौर में विजिट कर रहे हैं ओरिएंट ट्रेन का तो आपको यहाँ बड़े बड़े जाल नजर आएंगे कबूतरों के। अब आगे हैं जी चार मीनार जो ये लाहौर का, जहाँ पे शहबाज शरीफ हाथ लाता हुआ जाता लोग नीचे से, आप समझ गए होंगे। हम आ चुके हैं वापस जहाँ से हम जाएंगे रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ से हमें अब्दुल्ला हमें कहाँ लेके जाएंगे वहाँ से नीचे उतर रहे हैं। तो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं रिक्शे में और हम जा रहे हैं यादगार मीनार पाकिस्तान, बाकी ब्लॉग आगे जाके कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ब्लॉग में आपने हमारे साथ रहना है, ब्लॉग को स्किप नहीं करना। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं बादशाह मस्जिद के दरवाजे के पास, बादशाह मस्जिद का दरवाजा आगे है, अभी हम आगे की तरफ जाएंगे। सिखों का गुरुद्वारा डेरा साहिब शहीदी आस्तन श्री गुरु अर्जुन देव जी लाहौर, आगे बादशाह मस्जिद के दरवाजे पे। स्मोकिंग बोल ड्रैगन बोल भाई जान, ये है शाही किला और वो सामने जी बादशाह मस्जिद का दरवाजा, मस्जिद का दरवाजा वो क्या मतलब आप पहुंच चुके हैं यहाँ पे, काफी ज्यादा रश भी है आज। हाँ, और फिर आगे जाके व्यू भी साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। एक चीज़ यहाँ पे बहुत गलत है, यहाँ पे जूते का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा महंगा रखा हुआ है इन्होंने, कम से कम होना चाहिए 50-60-100 रुपए ले रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे इसका एक्शन ले, 10 या 20 रुपए फिर जोड़ा होना चाहिए, 50-60 रुपए जोड़ा नहीं होना चाहिए। ये है जी बादशाह मस्जिद, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत वसी एरिया ये बादशाह मस्जिद का। हम आज इस वक्त बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और जुहेब खान भी इस वक्त बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, और ये व्लॉगिंग के साथ साथ कर रहे हैं लेकिन बोल कुछ नहीं रहे, साइलेंट व्लॉग बना रहे हैं, खामोशी वाला व्लॉग बना रहे हैं। पाकिस्तान यहाँ से आपको नज़र आ रहा है जी, वो सामने बिल्कुल छोटा सा उसका एरिया। तो गाइस हम आ गए हैं बादशाह मस्जिद के बिल्कुल करीब और ये देखें यहाँ पर ये है बादशाह मस्जिद का व्यू, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अभी आपको अंदर जाके इसका खूबसूरत व्यू भी दिखाएंगे, कुछ लोग यहाँ पर नमाज़ भी पढ़ रहे हैं। आपने लास्ट व्लॉग में
फैसल मस्जिद का व्लॉग में आपने अंदर का व्यू देखा था, अभी आपको इस दफ़ा दिखा रहे हैं हम यहाँ पे बादशाही मस्जिद का व्यू। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पे इमामत वगैरह होती है और वहाँ पे लेडीज़ का एरिया है जहाँ पे लेडीज़ वगैरह जाती हैं। ये है जी बादशाही मस्जिद का व्यू। ये भी चाट आई जी, ये वाह जी वाह। ये कौन सी चटनी है भाई? खट्टी है, खट्टी खट्टी चटनी। दुआ लगा दे। तो गाइस हमने मीनार पाकिस्तान जाने का फैसला कैंसिल कर दिया है, मैं नहीं मानता, क्योंकि हर से कॉल आ रही है कि आप जल्द से जल्द वापस आएं और हमें लेके जाएं गुलशन पार्क। तो लिहाजा हम यहां से जाने लगे हैं वापस बजरिया ऑल इन ट्रेन। ये छोटा सा पार्क देख लें बस लास्ट में, और गुड बाय बादशाही मस्जिद, गुड बाय मीनार पाकिस्तान। दादा पुत्र बन जा, तू मनु नहीं जानता, फना कर देगा बंदे दा पुत्र बन। अल्लाह हाफिज। तो बाकी का व्लॉग अब इंशाल्लाह ताला और ट्रेन में जाके बनाएंगे, वहाँ पे वाइंड अप करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे गुलशन पार्क। ये जी यहाँ से टोकन एरिया टिकट मिलेगा, वो सामने टिकट एरिया है। गाइस अभी हम वापस आ चुके हैं और इन ट्रेन के, अभी और इन ट्रेन का इंतजार करेंगे, अभी आएगी तो हम आपको और इन ट्रेन का बाहर से व्यू भी दिखाएंगे।